हेलो। हाँ भाई, फोन क्यों कर रहे? आवाज ही नहीं आ रही तो क्या करे भाई, कौन बोल रहे हैं? मेरा नाम निजाम है, मैं गुजरात से बोल रहा हूँ। क्या नाम है? निजाम। निजाम बताइए। तो एक मसला पूछने का था आपसे, जरा तो पूछू क्या? मसले मसाइल आलिमों से पूछा करो भाई। अरे भाई, आप स्थिति किए होंगे, आपको मालूम हो, मैं भी आले हदीस ही हूँ। तो मैं बोला क्या मालूम, आपको जानकारी हो तो बताइए। कई जन से पूछा लेकिन कोई माकूल जवाब नहीं देता है। क्या है? आलिम लोगों से भी पूछा, और क्या बोलते कारी लोग उनसे, क्या बोलते अपना वो जो फतवा देते हैं उनसे भी पूछा, लेकिन कोई माकूल जवाब नहीं देता। तो क्या मालूम आपको जानकारी, आलिम नहीं दे पाए, मुफ्ती नहीं दे पाए आपके सवाल का जवाब, तो हम कहाँ से दे देंगे? नहीं ऐसा, अगर नहीं देंगे तो भी कोई वो नहीं है कि आप क्यों नहीं दिए। सवाल यह है कि ये जैसे क्या बोलते है, कोई बोलता है कि मैं आले हदीस हूँ, कोई बोलता देवबंदी हूँ, कोई बोलता मैं सुन्नी हूँ, तो ये क्या है, जमात है कि फिरका है, क्या है कि तहरीक है, ये पूछने का था आपसे। निस्बत है, निस्बत मतलब, मतलब भाई उम्मत में तमाम लोग जो मेरे भाई कलमा पढ़ते हैं वो अपने अपने आप को मेरे भाई देते हैं, निस्बत देते हैं। अब जैसे कोई मेरे भाई जो देवबंद के उलमाओं को मानता है या देवबंद से भाई वो पढ़ा है, फारिग है, तो वो कहते हैं हम देवबंदी हैं। और जो मेरे भाई जो बरेलवी आला हजरत के मानने वाले हैं वो मेरे भाई कहते हैं कि हम बरेलवी हैं, ठीक। और जो मेरे भाई अल्लाह की बात और अल्लाह के नबी की बात को मानते हैं भाई, वो अपने आप को आमतौर पे कहते हैं कि हम अहले हदीस हैं। तो भाई ये निस्बत है, फिरका उसको कहते हैं जो असल से हट जाए। जैसे भाई जो ये देवबंदी हैं, बरेलवी हैं, कादियानी हैं, शिया हैं, ये सब मेरे भाई फिरके हैं, असल से हट जाए। असल जो हमारी है भाई वो है भाई किताबो सुन्नत, यानी कि भाई कुरान हदीस। तो कुरान हदीस से जो हट जाएगा वो बन जाएगा फिरका। और अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे। जो ये हदीस है, ये हदीस आती है जामे तिर्मिजी की हदीस नंबर 311, उसमें आता है कि मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे, 72 जाएंगे जहन्नम की आग में और एक होगा कामयाबी वाला। तो एक कामयाबी मतलब जो एक कामयाबी वाला होगा वो भी आखिरत में भाई वो फिरका ही बन जाएगा, लेकिन वो फिरका नाजिया होगा। तो फिरकाए नाजिया की जो भाई जो पहचान है, अलामात है, वो अल्लाह के नबी ने बताया, मा आना अलैह व असहाबी अल्यौम, आज के दिन जिस तरीके पे मैं और मेरे सहाबा हैं, उस तरीके पे जो मेरे भाई ता कयामत तक चलेगा वो मेरे भाई कामयाब होने वाला होगा। और उसको ही बोलते हैं भाई ताइफा मंसूरा, फिरकाए नाजिया, अहले सुन्नत, अहले हदीस, अहले हक, अहले तौहीद, मोहम्मदी, सल्फी, आप उसको कोई भी नाम दे दो। तो अहले हदीस कोई मेरे भाई फिरका नहीं है, ये एक मेरे भाई फिरका नहीं है, जमात है, यही ना? हाँ जमात है मुसलमानों की। हाँ तो कुरान मजीद में तो ऐसा भी लिखा है ना कि अपने आप को फिरकों में जमातों में मत बांटो। फिरकों में ना बांटो, देखिए अल्लाह सुबहानहु ताला सूरह आले इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 103 में भाई ये कहता है कि तुम सब लोग मिलकर अल्लाह की रस्सी को एकदम मजबूती से थाम लो और आपस में फिरको फिरको में ना बटो। तो हम फिरको फिरको में जमात में जमात का भी नाम है भाई। जमात का भी नाम लिखा, फिरको में जमातों में मत बटो, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो। देखिए जमात का जो माना होता है वो होता है मेरे भाई लोगों का जमा होना, ठीक है, और एक राह पे चलना, तो उसको बोल देते हैं जमात, ठीक। तो अब जो भी मेरे भाई जमात है वो अगर मेरे भाई किताबो सुन्नत पे चल रही है तो हम उसको कहेंगे कि मेरे भाई वो हक जमात है। जैसे हमारे साहबा इकराम की जमात, ताबई की जमात, तबे ताबे की मतलब जो जमात है, ठीक है, आइमा अरबा की जमात, मुहद्दिसीन की जमात, तो ये तो मेरे भाई जमात जो होता है कोई एक फील्ड के माहिर लोग,
उनके लिए भी खास होता है कि हाँ भाई ये मतलब भाई ये फला जमात के हैं। तो जमात का होना मतलब ये नहीं फिर के बनाना, लेकिन अगर कोई ऐसा है जो मेरे भाई असल से हट जाए, यानी कि भाई जो किताब व सुन्नत जो आसमानी दीन है उसमें अपने बाप दादाओं का अकाबिरों का बुजुर्गों का बाबाओं का दीन भाई अगर वो मिला देता है तो वो असल से हट जाता है तो वो बन जाता है फिरका। तो अहले सुन्नत अहले हदीस ये कोई फिरका नहीं है, ये मेरे भाई जमात है, मनहज है मुत्तबे सुन्नत अहले सुन्नत की। अच्छा आप ऐसा बताए और वो क्या बोलते हैं सुनते हैं तो उसमें वो क्या बोलते हैं कि हम मुसलमान हैं। अरे तो कौन सा कोई ऐसा हमको अहले हदीस हमको दिखा दीजिए जो आपसे मतलब भाई ऐसा बोलता हो कि हम खाली अहले हदीस है मुस्लिम नहीं है। अरे मुस्लिम तो हमारा जाती नाम है और जो अहले हदीस है ये मेरे भाई एक नाम है सिफाती नाम है। अब जैसे अल्लाह ताला ने आपको नाम दिया है इंसान और हमको नाम दिया इंसान कि हमने इंसानों को और मेरे भाई कौन हमने इंसानों को जिन्नातों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया तो इंसान आप भी इंसान हम भी हैं। लेकिन इंसानों में पहचान के लिए भाई हमारा नाम अफू खान है, आपका नाम क्या है निजाम, आपका नाम मेरे भाई अलग है, मेरा नाम अलग है। अब मैं कहूँ आपसे नहीं अल्लाह ताला ने तो आपको मेरे भाई इंसान कहा है, तो इंसान कहा है इसका मानना ये नहीं है कि आप पहचान का दूसरा नाम आप नहीं रख सकते। नाम रखना तो ये मेरे भाई अल्लाह की सुन्नत है, अल्लाह के नबी की सुन्नत है, आप समझ रहे हैं। अल्लाह सुबहान तआला ने भी भाई कहा कह दो अहले किताब से, तो अहले किताब कौन किताब वाले। इसी तरीके से अहले जन्नत यानी कि कौन मेरे भाई जन्नत वाले। इसी तरीके से अहले अहले सुन्नत यानी कि मेरे भाई सुन्नत वाले। और आज के दौर में अहले सुन्नत का पहचान का एक ही नाम है वो है अहले हदीस। तो अहले हदीस का माना होता है भाई देखिए जो हदीस होती है हदीस का माना होता है बात यानी कि अल्लाह की बात और अल्लाह के नबी की बात को मानने वाले को आम तौर से कहते हैं अहले हदीस। तो जो भी मेरे भाई मुस्लिम होगा वही तो अल्लाह के नबी की बात को मानेगा। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम हैं। लेकिन अब कोई मेरे भाई ऐसा आता है मुस्लिम जो सहाबा इकराम को गालियां दे रहा है वो भी अपने आप को कह रहा है कि हम मुस्लिम हैं। अब कोई ऐसा मुस्लिम आ रहा है जो कह रहा है नहीं हम अल्लाह के नबी को आखिरी नबी नहीं मानते एक और नबी आए हैं तो वो भी अपने आप को मतलब भाई क्या कह रहे हैं मुस्लिम है। एक ऐसे मुस्लिम है जो मेरे भाई कब्रों पे और मेरे भाई आस्थानों पे दरगाहों पे जा रहे हैं उनसे मन्नतें मुरादें मांग रहे हैं वो भी अपने आप को कह रहे हैं मुस्लिम। एक वो है जो अपने मेरे भाई जो बड़े हैं इमाम हैं अकाबिर हैं उनकी राय को मान रहे हैं। तो अब इन ये सारे लोग ही अपने आप को कह रहे हैं हम भी मुस्लिम हम भी मुस्लिम हम भी मुस्लिम। तो अब हम क्या करेंगे कि हम इनमें अपनी पहचान बनाने के लिए इन सब मेरे भाई बातिल लोगों से अपने आप को अलहदा करने के लिए हमने अपने आप को कह दिया कि भाई हम अहले हदीस हैं, हम अहलुल राय नहीं है अहले कयास नहीं है कि हम मतलब भाई दीन को छोड़ के हम राय और कयास के ऊपर अमल करें। नहीं हम दीन को मेरे भाई अल्लाह के नबी की हदीसों से और कुरान की आयतों से लेते हैं और अल्लाह सुबहान तआला ने कुरान को भी हदीस कहा है सूरे मतलब गालिबन भाई उसमें आते हैं जुमर में कि हमने बातों में बेहतरीन बात को नाजिल किया अहसनुल हदीस। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान को भी हदीस कहा है तो हम इस माने में अहलुल हदीस हैं। हम कुरान को भी मानते हैं हदीस को भी मानते हैं मुस्लिम। अगर हमारी किसी मेरे भाई हम कहीं भाई हम कहीं जाएंगे वहाँ पे सारे लोग मेरे भाई अलग हैं नॉन मुस्लिम हैं तो उनमें हम थोड़ी ना कहेंगे कि मैं बरेलवी हूँ देवबंदी हूँ अहले हदीस हूँ। वहाँ पे हम अपने आप को पेश करेंगे आई एम अ मुस्लिम। लेकिन जब अपने ही मुसलमानों में लोग मेरे भाई एक दूसरे के पीछे नमाज नहीं पढ़ रहे हैं कुफ्र का फतवा लगा रहे हैं गुस्ताखी का मेरे भाई फतवा लगा रहे हैं तो अब मेरे भाई ये एक मेरे भाई पहचान की आ गई ये जरूरत कि अब हम अपने आप को एक पहचान दें। तो हमने अपने आप को भाई एक पहचान दे दी कि हम भाई अल्लाह के नबी के तरीके पे और सहाबा के तरीके पे हैं, हम भैया अहले सुन्नत हैं मुत्तबे सुन्नत हैं, हम राय कयास को मेरे भाई जो हदीस है उसके ऊपर भाई हम तरजीह हम नहीं देते हैं हम अहले हदीस हैं। तो ये तो एक नाम हो गया सिपाही अच्छा, पहचान के लिए। मैं क्या बोलता हूँ मान लो मैं बोलूँ अपने आप को मैं देवबंदी हूँ और कुरान हदीस में चलने का चलूँ कुरान में क्या लिखा है हदीस में लिखा है
ये बात मानो बोल दू मैं आपको देवबंदी तो ये सही तरीका है। देखिए देवबंदी के माने मेरे भाई क्या होते हैं, देवबंदी के माने होते हैं दो। एक तो जो मेरे भाई जो देवबंद से फारिग होता है वो अगर अपने नाम के आगे अगर इसका इस्तेमाल करता है कि मैं देवबंदी हूँ, कासमी हूँ, मदनी हूँ, ठीक, तो ये सब मेरे भाई क्या हो गया, ये सब मेरे भाई उसकी एक मेरे भाई पहचान हो गई, सनद हो गई। जैसे एडवोकेट, डॉक्टर, इंजीनियर ये सब होते हैं ना, इसी तरीके से मतलब भाई हम देवबंदी हैं, मदनी हैं, या मतलब भाई कासमी हैं, नदवी हैं, तो ये एक आम तौर पे हो गई डिग्री। अब अगर मेरे भाई उसने वहाँ से डिग्री लिए, वहाँ से वो फारिग है और उसके बाद भाई वो किताब व सुन्नत पे चल रहा है, तो वहाँ पे तो ये जायज है। लेकिन किसी ने मेरे भाई ना तो देवबंद से पढ़ा है, ना कोई मेरे भाई बरेलवी से पढ़ा है, ना कोई मेरे भाई को नदवी से पढ़ा है, और वो कह रहा है नहीं हम तो देवबंदी मसलक के हैं, यानी कि वो ये कह रहा है कि जो हमारे देवबंद के जो अकाबिर थे उनके जो अकायद हैं वही अकायद हमारा है और हम आली मकाम है देवबंद वाले, तो फिर वो मेरे भाई असल से हट गया, वो बन गया फिरका। तो हम उस फिरके से अपने आप को अलायदा करने के लिए कहते हैं कि आपका मसलक देवबंदी हनफी है भाई, हमारा जो भाई मनहज है वो है भाई किताब सुन्नत। तो उस जगह पे मुझसे अपने आप को अलग करेंगे क्योंकि हनफियत के दावेदार मेरे भाई बेसिकली तीन हैं, ठीक है, बरेलवी, देवबंदी, कादियानी, और इनमें भी काफी सारे मेरे भाई फिरके हैं। जैसे मेरे भाई जो अपने देवबंदी हैं उनमें क्या हो गया, आप कौन से देवबंदी हैं भाई, मतलब हयाती हैं, ममाती हैं, खैराती हैं, जकाती हैं, तबलीकी हैं, कौन से देवबंदी हैं। इसी तरीके से मेरे भाई जो बरेलवी भाई हैं उनमें क्या है भाई, आप कौन से बरेलवी हैं, चिश्ती हैं, कादरी हैं, सोहरवर्दी हैं, रजवी हैं, नक्शबंदी हैं, बिना वर्दी हैं, मतलब कितने सारे होगा गिरे। और अब तो मेरे भाई बिदतियों का एक मेरे भाई जो नया सूफियों का मेरे भाई फिरका है वो एक लॉन्च हो गया, कौन सा हो गया है भाई, वो मदारी, यानी कि एक बाबा है कानपुर में, ठीक है, उनका नाम है जिंदा मदार शाह बाबा, तो उनके मानने वाले अपने आप को कहने लगे कि हम तो मदारी हैं। तो जो मदारी हैं वो आला हजरत को मेरे भाई नहीं मानते, गालियां देते हैं। जो आला हजरत के मानने वाले बरेलवी हैं भाई वो देवबंदियों को नहीं मानते, जो देवबंदियों को मतलब जो मानने वाले हैं वो अहले हदीसों को नहीं मानते। तो जब एक दूसरे के पीछे कोई नमाज नहीं पढ़ रहा है, एक दूसरे को ईमान वाला नहीं मान रहा है, तो अब कहां मुस्लिम बचे कोई। तो अब तो हमें सिफाती नाम अपना देना पड़ेगा ना कि हम मुस्लिम हैं, अल्लाह सुबहान व तआला ने कहा है कि अपने आप को क्या कहो, मुस्लिम कहो। लेकिन मुस्लिमों में भी पहचान के नाम भाई जो रखे जाते हैं वो मेरे भाई सुनना मतलब है। जैसे मेरे मुसलमानों में पहचान अलग करने के लिए अरे भाई सहाबा थे ना, सहाबा में भी भाई वो पहचान थी ना, अंसार हो गए, मुहाजिर हो गए, ठीक। अब क्या अल्लाह ताला क्या मेरे भाई अपनी बात से माजल्ला पलट जाएगा, जब अल्लाह ताला ने कह दिया कि अपने आप को क्या कहो मुस्लिम, तो अल्लाह ताला को भी भाई इतनी कहना चाहिए था कि हाँ सहाबा जो है मुस्लिम है, लेकिन नहीं, बेशक तमाम सहाबा जो थे ईमान वाले थे, मुस्लिम थे, लेकिन एक पहचान के लिए, सिफात के लिए उनका एक नाम था, कौन सा भाई, ये अंसार हैं, मुहाजिर हैं, कौन से मेरे भाई बद्री साहबी हैं, ठीक है, या कौन से साहबी हैं, तो ये सब एक सिफाती नाम हो गया ना। उसी तरीके से भाई हम कुरान हदीस वाले हैं, आज की तारीख में जो जो मेरे भाई लोग अपने अपने पेशवा, अपने अपने इमाम, अपने अपने बाबा, अपने अपने मेरे भाई बुजुर्ग, अपनी अपनी जमातों, अपने अपने मतलब जो मरकज हैं उनके पीछे पड़े हुए हैं, उनकी अंधी पैरवी कर रहे हैं, उनकी तकलीद कर रहे हैं, तो उनसे अपने आप को अलायदा करने के लिए हमने एक मेरे भाई सिफाती नाम दे दिया कि हम अहले सुन्नत अहले हदीस हैं, हम जो भी मसला पेश आएगा भाई हम कुरान हदीस में देखेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह। तो यही अच्छा, काम हम कर रहे हैं। जैसे जैसे मान लो कोई पूछा कि तुम कौन से इमाम की पैरवी करते हो, कौन से इमाम को मानते हो, तो क्या बोलने का। देखिए अहले हदीस के जो भाई जो इमाम है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह इमामुल कायनात, इमामुल आजम, इमामुल अंबिया, ठीक है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। जो हमारी जमात के इमाम है वो मेरे भाई तमाम इमामों के भी जो इमाम हैं वो हमारे इमाम है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो वो हमारा जो मेरे भाई मनहज है उसके इमाम है।
बाकी इसका माना ये नहीं है कि हम खाली उनको मानते हैं, बाकी के इमामों को नहीं मानते। उसके बाद मेरे भाई जितने इमाम मेरे भाई आए हैं गुजरे हैं अहले सुन्नत में, हम सबको मानते हैं, सब की मानते हैं और सबका एहतराम करते हैं, सबकी इज्जत करते हैं और सबकी बात को, दीन की मेरे भाई समझ को हम मेरे भाई लेते हैं, इस्तेमाल करते हैं, लेकिन भाई अंधी पैरवी नहीं करते। देखिए गैर मुकल्लिद और ये आप जो इसका उल्टा होता है मुकल्लिद, ये आपको किसी भी मेरे भाई कुरान में ना हदीस में ये कहीं आपको नहीं मिलेगा। ये एक मेरे भाई इस्तलाहात हैं जो लोगों ने मेरे भाई अपनी अक्ल से बना दी है, जबकि भाई ये मेरे भाई एकदम गलत है। हाँ जो मतलब जो मुकल्लिद है वो तो ठीक है, क्योंकि मेरे भाई जो मुकल्लिद होता है उसका माना होता है पीछे चलना, ठीक। तो अब कोई इंसान मेरे भाई अपने बड़े, अपने अकाबिर, अपने इमाम, अपने आलिम, अपने उलमा, अपने बाबा, अपने बुजुर्ग, उनकी बातों को मान के भाई वो उनकी बातों पे चल रहा है तो वो तो अपने आप को कहेगा कि हम मुकल्लिद हैं। लेकिन मुकल्लिद का जो उल्टा होता है वो होता है भाई मुत्तबे। तो हम लोग जो है ना वो हम भाई अगर वाकई अगर कोई अगर हम लोग को कहना चाहता है तो उसको कहना चाहिए भैया हम तो मुकल्लिद हैं, आप तो मुत्तबे हैं, तो समझ में आता है। लेकिन अब मेरे भाई ये कहाँ से, ये कभी बोल ही नहीं सकते मुत्तबे हैं, क्योंकि इनकी मेरे भाई जबान पे आग के अंगारे आ जाएंगे, क्योंकि जानते हैं मुत्तबे कहेंगे तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह ये लोग मेरे भाई हक पे साबित हो जाएंगे। तो इन्होंने एक इल्जामी नाम दे दिया कि हम मुकल्लिद हैं तुम गैर मुकल्लिद हो। तो मेरे भाई जो ये मुकल्लिद का उल्टा होता है ना वो होता है मुत्तबे, मुकल्लिद का उल्टा गैर मुकल्लिद भाई ये होता ही नहीं है। जिस तरीके से मेरे भाई सफेद का उल्टा होता है काला, रात का उल्टा होता है दिन, मर्द का भाई उल्टा होता है औरत। आपने अच्छा, कभी मेरे भाई कभी ऐसे सुना है कि भाई वो गैर सफेद और गैर मतलब भाई रात इस टाइप से सुना है आपने? अच्छा दूसरी बात, जैसे मान लो किसी को आदमी को गाड़ी खरीदने का, बराबर क्या किसी आदमी को गाड़ी खरीदने का है, क्या कहा गाड़ी गाड़ी बाइक बाइक खरीदने का है किसी को, अच्छा गाड़ी हाँ तो हाँ तो गाड़ी आती 65,000 रुपए की, अब वो आदमी जाता है उससे बोलता है भाई वो शोरूम वाले से कि भाई मैं क्या बोलते है मेरे पास इतना पैसा नहीं है और मेरे पास 30,000 रुपया है, 30,000 ले लो और बाकी 30,000 रुपया मैं थोड़ा थोड़ा करके आपको दे दूंगा और गाड़ी हमको दे दो। तो क्या बोलता है, बोलता है कि नहीं मैं ऐसा नहीं करूंगा, वो बैंक वाला बैठा तुम उससे बात कर लो बैंक वाले को देने का, तो क्या ये तरीका सही है? देखिए कुछ मेरे भाई स्कीमें आती हैं, लॉन्च होती हैं, ठीक है 0% फाइनेंस, तो 0% फाइनेंस अगर है यानी कि उसमें कोई भी किसी भी तरीके का ना तो सूद है ना इंटरेस्ट है ना उसमें मेरे भाई ब्याज है, तो फिर आप मेरे भाई ऐसी स्कीम का फायदा उठा सकते हैं। लेकिन जिनमें भी अगर एक पैसा भी सूद मेरे भाई इन्वॉल्व हो रहा है तो उस चीज में आपको हाथ मेरे भाई नहीं डालना है, ये बहुत संगीन मेरे भाई गुनाह है। तो अगर कोई ऐसी स्कीम आई है कि नहीं भाई हमारे वहाँ मतलब भाई स्कीम चल रही है, दिवाली ऑफर है, धनतेरस ऑफर है, ईद ऑफर है, बकरीद ऑफर है, या मेरे भाई फला मतलब भाई वो नया साल आ रहा है न्यू ईयर ऑफर है कि आप आए आप मेरे भाई थोड़ा पैसा आप दे दें कैश और जो बाकी पैसा उसकी आपकी मतलब भाई वो जो इंस्टॉलमेंट आपकी होती है बन जाएगी और आपको एक्स्ट्रा पैसा भी नहीं देना है, खाली जो फाइल चार्ज होता है उतना आपको देना है, तो ये सब तो यहाँ तो जायज है। लेकिन अगर कोई कह रहा है कि नहीं गाड़ी मेरे भाई आपकी 60,000 रुपए की है, आप 30,000 रुपए हमको दे दो हम गाड़ी आपको दे देंगे, अब जो बचे आपके 30,000 हैं वो बैंक वाले को आपको देने पड़ेंगे 40,000 रुपए, यानी कि 10,000 आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, तो फिर ये हो गया सूद। तो ऐसी गाड़ी मेरे भाई आप ना लीजिए, इससे अच्छा मेरे भाई पैदल चलिए, साइकिल चलाइए, सबसे अच्छा है सेहत के लिए बनिस्बत मेरे भाई ब्याज का हाथ डालने से। ठीक है गाड़ी वाला मतलब पैदल चल लेगा आदमी, साइकिल से चल लेगा आदमी, और जिसके पास घर नहीं है अरे ब्याज से तो बच जाएगा। नहीं नहीं जिसके पास घर नहीं है तो घर से लेना पड़ेगा ना, भाई देखिए होम लोन की जो स्कीम आती है उसमें तो मेरे भाई ये 0% जो मेरे भाई मतलब जो होती है ब्याज दर
किस्तों की वो तो होती नहीं है, लेकिन आप ये मेरे भाई बैंक में जाके मैनेजर से आप बोल सकते हैं कि सर देखिए हमारा जो मजहब है उसमें भाई जो ये सूद है इंटरेस्ट है भाई वो हराम है, तो कोई ऐसी स्कीम आए कि हम अपना कुछ मेरे भाई कोई सामान है उसको हम रख दें, गिरवी रख दें, लेकिन हमें उतने का उतना ही पैसा देना पड़े, एक्स्ट्रा पैसा हमको भाई ना देना पड़े। तब अगर लोन आपका मेरे भाई फाइनल हो जाता है, ठीक है होम लोन, तो आप उससे अपना मकान भाई ले सकते हैं, बनवा सकते हैं। लेकिन अगर आप मेरे भाई 20 लाख रुपए का लेते हो लोन कि हमने भैया मकान अब हम जमीन लेंगे 8-10 लाख की और 8-10 लाख में अपना बनवा लेंगे दो कमरे, तो 20 लाख रुपए का लोन अगर आप लेते हो और 20 लाख के अगर आप मेरे भाई 25 लाख देते हो या 22 लाख देते हो या अगर 1 लाख भी एक्स्ट्रा देते हो तो भी भाई ये इंटरेस्ट है। इससे अच्छा मेरे भाई आप खुले आसमान के नीचे झोपड़ी डाल के रहिए बनिस्बत मेरे भाई ब्याज के लोन लेने के। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है।